आज मैं आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के 20 खास सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आप इस गेम में प्रो प्लेयर बन जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप इस गेम में बादशाह बन पाए। अगर आप ऑटो रिक्शा को ड्राइव करते हुए जोम्बी के ग्रुप के पास भी पहुंच जाते हैं ना, तो सारे जोम्बी ऑटोमेटिक आपके ऑटो के पास आकर सेल्फ मर जाते हैं यार, मतलब आपको मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप अपने किसी भी फेवरेट कार या व्हीकल को RGB कलर में चेंज करने के बाद अगर किसी दूसरा कलर में चेंज करना चाहते हैं तो घंटा कोई चेंज नहीं होने वाला। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप अपने साइकिल के पिछवाड़े साइड देखेंगे तो वहाँ पे बाइक की तरह पीछे से धुआं निकलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। अगर आप अपने न्यू वाले हाउस के इस वाले विंडो के ऊपर अगर चढ़ जाते हैं ना भाई, तो आप कितना भी कोशिश कर लो यहाँ से आप निकल नहीं पाओगे, गेम को आपको एग्जिट करना ही पड़ जाएगा। अगर आप बहादुर बनकर स्पाइडर का सामना करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो स्पाइडर आपकी वाट ला के रख देगा। एंड अगर इससे आप डर कर भागना नहीं चाहते हैं ना भाई, तो सिंपली घोस्ट राइडर वाली बाइक को लेना है और बस उसके सामने खड़े हो जाना है। घोस्ट राइडर बाइक के सामने ये घंटा कुछ नहीं कर पाएगी आपका। अगर आप पुलिस स्टेशन के इस जेल के अंदर घुसना चाहते हैं ना भाई, तो सिंपली आपके फेवरेट साइकिल को आपको इसके सड़ाकर खड़े कर देना है एंड उससे उतर जाना है। इसके बाद आप जेल के अंदर का हवा बड़े आराम से खा सकते हैं। देखो, मुझे पता है कि आप बंदर तो नहीं हो, लेकिन अगर बंदर जैसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आप किसी पेड़ में चढ़ना चाहें तो इस वाले पेड़ के ऊपर आप चढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, आप टिक नहीं पाओगे भाई ऊपर। आप अपने कार से दिन दहाड़े किसी भी NPC को उड़ा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करके देख लो, पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस वाले को आप कितना भी कोशिश कर लो घंटा उसे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। रॉकेट लॉन्चर से आप किसी भी गाड़ी व्हीकल की वाट लगा सकते हो, उसे जलाकर राख कर सकते हो, लेकिन अगर आप JCB को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाओगे ना भाई, तो उसका डाला जलता ही नहीं है यार। अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर सारे पुलिस वालों को स्टिकी बॉम्ब से उड़ा देते हैं ना, तो ऊपर वाले फ्लोर को आप गौर से देखोगे तो पुलिस वाले ऐसे लटके हुए नजर आते हैं, जो कि समझ सकते हो। गौर से देखो इस साइकिल को भाई, इसमें कोई लाइट का व्यवस्था ही नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप नाइट में इस साइकिल को ड्राइव करोगे ना यार, तो इसमें लाइट का ऑन ऑफ ऑप्शन आ जाएगा और बकायदा लाइट भी जलेगी। आप हमारे घोस्ट राइडर वाली बाइक से किसी भी NPC पुलिस वाले को ऐसे ही जला सकते हैं, यहाँ तक कि जोमी को भी जला लेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े पुलिस वाले को आप घंटा जला के कुछ कर ही नहीं पाओगे। मान लो कई सारे स्पाइडर आपके पीछे पड़ गए हैं, तो आपको घंटा कुछ करना नहीं है, इस वाले सी बीच में आना है और बस भाई, यहाँ पे आपको कितने भी सारे ही स्पाइडर आ जाए, आपका घंटा बाल पाका भी नहीं कर पाएंगे। पुलिस स्टेशन के बैठे हुए इन पुलिस वालों का आप घंटा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, लेकिन आप अपने प्यारे स्टोमी से ये काम बहुत ही आसानी से करवा सकते हो। आपको डायनो प्लस घोस्ट राइडर वाली बाइक को एक ही प्लस पर स्पॉन कराना है, इसके बाद आपको ड्राइव बटन पर क्लिक कर ड्राइव करते हुए चले जाना है, जिससे आप देख सकते हो कि हमारा जो बाइक है बिना कैरेक्टर के ड्राइव कर रहा है। अगर आप ठीक कार के ऊपर किसी भी ट्री को स्पॉन करने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बल्कि जो ट्री है साइड में गिर जाती है। अगर आपने पुलिस वाले से पंगा ले लिया है और उससे बचना चाहते हैं ना भाई, तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही घुसकर उसके इस वाले टेबल पे आप चढ़ जाओ, घंटा पुलिस वाला आपको देख नहीं पाता और कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। अगर आप कुत्ते की सवारी कर रहे हैं तो आप इस सिटी के राजा है, क्योंकि इस कुत्ते के पास इतनी पावर है कि ये किसी भी कार को ऐसे ही उलट पुलट पलट के रख देता है यार। आप अपने सिटी के किसी भी खंभे यहाँ तक कि पेड़ को उठा उखाड़ सकते हो, लेकिन आपके न्यू हाउस के अंदर लगे पेड़ को आप घंटा कितना भी पावर से ठोक दो यार, ये उखड़ेगा ही नहीं, कोशिश करके देख लो। तो हमारा लास्ट सीक्रेट है, अगर आप सी बीच में बोट चलाना नहीं चाहते हैं या फिर मान के चलो आपको डर लगता है ना, तो सिंपली आपको जो है रेलवे स्टेशन के पास में ये छोटा सा झील नजर आएगा, यहाँ पे बोट को स्पॉन करा लेना और बड़े मजे के साथ आप यहाँ पे बोट चला सकते हैं। फिलहाल बातों बातों में मैंने आपको 20 सीक्रेट भी बता दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा। फिलहाल आप मेरे को नीचे कमेंट करके ये बताना कि इनमें से कौन से सीक्रेट्स आपको पता थे या फिर कौन सा सीक्रेट्स आपको ज्यादा मजा आया।